श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को किन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पदार्थों को खाने से उनकी प्रजनन क्षमता पे अफेक्ट पड़ता है। हम ये भी बताएंगे कि उनको क्या खाना चाहिए। देखिए, नारी का जो स्थान है हमारे समाज में बहुत ऊंचा है, त्याग की मूर्ति कहा जाता है, तो हमारा तो बहुत ख्याल रखती है, पर हमारा ख्याल रखने के चक्कर में स्त्रियां या घर की औरतें अपना ख्याल नहीं रख पाती। महिलाओं के हड्डियों में कैल्शियम बहुत जल्दी समाप्त होता है और 30 की उम्र पार करते ही उन्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी अपने काम तो कभी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के चलते वैसा कर नहीं पाती। स्त्रियों को अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि उनके कंधों पर पुरुषों से भी कहीं ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए ऐसा बहुत ज़रूरी है कि इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बताएंगे उनको क्या खाना चाहिए जो उनका हार्मोनल बैलेंस बना रहे। महिलाओं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के विषय में हम आपको बताएंगे जिनके हार्मोनल बैलेंस को सही रखेंगे और साथ ही उनकी त्वचा और प्रजनन तंत्र को भी वो खाद्य पदार्थ दुरुस्त रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन किन पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम दही की बात करेंगे। महिलाओं को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें दिन में कम से कम एक बार एक कटोरी दही ज़रूर खानी चाहिए। इसमें विटामिन डी भी होता है जो आपकी त्वचा के साथ साथ आपके हार्मोन्स का भी ध्यान रखता है। उसके बाद रुचिरा, जिसे एवोकाडो कहते हैं, फाइबर, विटामिन बी, ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड, ये सब आपको एवोकाडो में मिल जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन फल है। उसके बाद है मछली। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको मछली ज़रूर खानी चाहिए। इसमें मौजूद ओमेगा 3 आपको तनाव, अवसाद, एसिड आदि जैसी बीमारियों से बचाकर शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखेगा। उसके बाद है सब्जियां। महिलाओं को ऐसी सब्जियां अवश्य खानी चाहिए जो उनके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल दे। पालक, साग, धनिया, ये सब जो खाद्य पदार्थ है ये हार्मोनल बैलेंस को बिल्कुल सही रखता है। अगर आप मसाले की बात करें तो दालचीनी, अदरक, लहसुन, ये न सिर्फ आपकी त्वचा को चमकदार रखते हैं बल्कि आपके मूड और हार्मोन्स को भी बिल्कुल संतुलित बनाए रखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए तो आपने जान लिया। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें अगर भोजन में शामिल ना किया जाए तो ही बेहतर है। अब वो क्या पदार्थ है? एक तो चीनी, उसकी लिमिटेशन, आप तो मीठा खाओ भी बहुत लिमिट में, क्यों चीनी ज़रूरत है चाय वाय में तो बहुत लिमिट में करो आप, क्योंकि ये ना सिर्फ महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है बल्कि मोटापे और मधुमेह का शिकार भी बनाती है। उसके बाद है ग्लूकोज वाले पदार्थ, सफ़ेद मैदे से बनी ब्रेड, फल का जूस, इनमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, महिलाओं को उनके सेवन से परहेज रखना चाहिए। करो लिमिट में जूस वगैरह पियो जो हाईली ग्लूकोज लेवल का जिनका है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर अल्कोहल, अगर आप शराब पीती हैं तो आपको वाइन के अलावा और कुछ नहीं पिए तो ज़्यादा बेहतर है। वाइन भी कभी कभार ही ग्रहण की जाए तो अच्छा है, अन्यथा यह आपके शरीर को भीतर से तोड़ने लगता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ की लिमिट होती है, उस लिमिट के जब भी आप एक्सेस करोगे, ज़्यादा करोगे तो ये औरतों पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, उनके हार्मोनल बैलेंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब आप उदाहरण दोगे, हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत शराब पीती हैं, आप ऐसा उदाहरण दे सकते हो, तो उसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ की शराब में और यहाँ की शराब में बहुत फ़र्क है। वहाँ क्वालिटी है और यहाँ की जो क्वालिटी है वो हर महिला अफोर्ड नहीं कर सकती।
फिर है कैफीन। वे महिलाएं जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं उन्हें कभी भी कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर पीती भी हैं तो एक लिमिट में करनी चाहिए, बहुत बहुत लिमिट में। कैफीन का ज़्यादा सेवन आपको नर्वस कर देता है और आपको बेताबी सी महसूस होने लगती है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, खास करके महिलाओं को। महिलाओं को सोयाबीन बहुत पसंद होता है, ज़्यादातर महिलाओं को, लेकिन अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो यह उनके प्रजनन शक्ति को बाधित करता है, अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा मूड स्विंग्स, वजन बढ़ना आदि जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।